सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सैनियन हैक्स। तो जैसे कि हमारी सीरीज में चल रहा है हैरी पॉटर नगिनी पार्ट 1, तो आज हम बात करेंगे नगिनी पार्ट 2 की। नगिनी पार्ट 2 बनाने का जो मोटिव था वो ये था कि ये जो लिनक्स है एक हार्ड मशीन है, एंड इसको अगर वन पार्ट में दिखाया जाए तो ये बहुत लेंथी हो सकती है, लाइक 1 आवर 1 आवर 30 मिनट। तो इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखता, इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट में बनाने की कोशिश की है ताकि इस चीज़ को समझें किस तरह से काम हुआ है एंड इसको करने की कोशिश की। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इजीली जमुला में एंट्री कर ली थी, उसको एडमिन एक्सेस ले लिया था। अब हम उससे आगे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या देख सकते हैं, ये हमारा जुमला में एडमिन एक्सेस हो चुका था, एंड हमने इस पीएचपी में अपना पिलोट भी सेट किया था। एंड कल मैंने एक ओपन कॉल स्टार्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वो मेटल सपोर्ट के साथ देखना है या फिर SSR के साथ। तो उसमें जो है मेटल सपोर्ट विन हुआ है, तो हम आगे की प्रैक्टिस से मेटल सपोर्ट के साथ करते हैं। चलिए यहाँ पर हम अपना पेलोड सेट करते हैं। MSF वेनम PHP मेटल पेटर, हम एक मेटल पेटर का जो है रिवर्स TCP सेल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लोकल होस्ट पोर्ट इसलिए लिया है क्योंकि ये ऑटोमेटिक उन्हें असाइन कर देगा। हियर मैं आई एम स्टार्टिंग और मेटा सपोर्ट, तो मेटा सपोर्ट भी स्टार्ट हो चुका है एंड हमारा पिलो भी रेडी हो रहा है। तो हमारा पिलो रेडी हो चुका है, चलिए देखते हैं। कैट एंड पिलोट हमारा जो है वो टेस्ट नेम से है, यू कैन सी दिस इज आवर पिलोट। हमारा IPV ऐड हो चुका है विद पोर्ट। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं। तो हमें जो है पिलोट कौन सा यूज करना है, चलिए देखते हैं। यू कैन सी हमें जो है मल्टी हैंडलर यूज करना है कंप्यूटर में, मल्टी हैंडर ऐड हो गया। हम अपना पीलोड सेट करना है, पीलोड जो हमारा है वो रहेगा PHP का, PHP इंटरप्रेटर का रिवर्स सेल का, वो भी ये रहा देख सकते हैं आप। कॉपी देन पेस्ट, तो हमारा कनेक्शन रेडी हो चुका है। कैन सी हमें बस अब लोकल होस्ट सेट करना है। ओके तो लोकल होस्ट हमारा ये रहेगा। ओके देन एंटर, नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज सेट, ये करते हैं एंड रन। वहाँ तो हमारा हैंडलर स्टार्ट हो चुका है एंड इसे हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल कॉपी इसे ओपन करते हैं एंड यहाँ पर हम करते हैं इसे पेस्ट। यू कैन सी वी हैव पेस्ट द वैल्यू, तो अब इसे हम सेव करते हैं, सेव हो चुका है। देन यहाँ तक का कॉपी की कंट्रोल सी स्पेस कंट्रोल वी एंड index.php हिट एंटर। लेट्स चेक, ये देख सकते हैं हमारा कनेक्शन आ चुका है, देख सकते हैं। चलिए चेक करते हैं एक बार,
गुड, इट्स वर्किंग फाइन। नाउ शेयर लेते हैं। यू कैन सी हमें शेयर मिल चुका है। अब हम अपने इसे एक्सट्रीम करके इसको परमिशन देते हैं। एक्सट्रीम में परमिशन। नाउ पाइथन उसके इसको बैश को बैश की परमिशन देता है ताकि यूजर को एक्सेस कर सकें। ओके, नाउ वेरी नाउ सीडी विस होम एलएस। सो वी हैव टू यूजर हरमानी एंड स्नेप। पहले स्नेप चेक करते हैं। एलएस, ओके, एलएस हाइफन एलए। वी हैव क्रेडेंशियल, यू कैन सी हियर। इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल कॉपी, देन कैट स्पेस एंड पेस्ट। यू कैन सी दिस इज द क्रेडेंशियल। ये बेस सिस्टम फोन में इसे डिकोड करते हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं हमें हमारा पासवर्ड मिल चुका है। कंट्रोल कॉपी। ओके, नाउ हमारे पास अब यूजर्स का पासवर्ड है। अब उसे हम लॉग इन करते हैं। यहाँ से निकल जाते हैं। एग्जिट एग्जिट क्लियर। ओके, नाउ एस एस एच एस नेम 46 देन पासवर्ड विल बी लवन लिली एंटर। ओके, जस्ट कॉपी अगेन, कॉपी देन पेस्ट, हिट एंटर। नाउ वी कैन सी वी आर इन। तो अब इन होने के बाद हमें क्या करना है, चेक करना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे मित्र का। दैट मीन्स हमें अब जाना होगा बैक सी डी स्लैश होम एलएस। अब हमें हवा ही चेक करना है। एलएस, ओके, सो एज यू कैन सी वी आर डिजिट 3 files, 1, 2nd and 3rd। हमें इस फाइल की नीड है इसे करेक्ट करने की। तो यू जस्ट थिंक दिस 3 files नॉट अवेलेबल हियर। ये तीनों फाइल यहाँ पर नहीं है। आप ये मान के चले इसको मैं कैसे यहाँ लाऊंगा आपको मैं पूरा वन बाय वन दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद हमारे पास है एक पिन सी डी पिन एल एस। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस यू सी पी। एस यू मीन्स सुपर यूजर और सी पी मीन्स ये फाइल जो है पिन में हमें परमिशन देती है डाटा को कॉपी करने की। तो हम इस सू का यूज़ करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आते हैं। अब हमें हरमानी के अकाउंट को टेक ओवर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक SSH की बनाएंगे। तो की कैसे देखते हैं। ओके, सी डी SSH। नाउ पहले चेक करते हैं कुछ है आएगा। इसे रिमूव करते हैं और नया बनाते हैं। चेक नथिंग इन साइड। तो नया की गन क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, SSH की गन, हिट एंटर 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 एलएस। यू कैन सी वी हैव ए पब्लिक फाइल एंड प्राइवेट फाइल। चलिए तो फिर अब फाइल क्रिएट करते हैं। तो कैट स्पेस आईडी पब्लिक, ये हमारी पब्लिक फाइल है। इसको कॉपी किया, कंट्रोल कॉपी, देन इसको ओपन किया,
ब्रिटिश इसको इन्वेस्ट किया। आपको करना ईको ECHO स्पेस डबल कॉलम ये पेस्ट करना है आपको इस तरह से, देन इसे क्लोज करना है स्पेस एक ब्रैकेट देना है, देन फाइल का नाम मैंने दे दिया ऐसे ऑथराइज्ड की आप देख सकते हैं तो मेरा पेलोड तैयार हो चुका। कंट्रोल कॉपी कॉपी हम इसको यहाँ पर रेडी कर सकते हैं, हमें चाहिए टेम्प फाइल तो हम पहले जाएंगे हम टेम्प फाइल में। टेम्प फाइल में यहाँ पर क्वालिटी की फाइल दे रखी है, मैं इसको भी ओवरराइड करूँगा। आपको जस्ट राइट क्लिक को पेस्ट करना है, अनहिट एंटर करना है, आपकी फाइल रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं तो हमने जो फाइल बनाई है वो बनी है ऑथराइज्ड सेकंड वन डी दिस वन। ओके नाउ अब हमारा काम क्या है, इसे हमें देना है परमिशन CHMOD 0644 AU। हमने हमारे फर्स्ट वाली इसको परमिशन दे दी है, परमिशन देने के बाद हम इसे वो चेक करते हैं। यू कैन सी दोनों सेम है, ग्रेट। अब हमें क्या करना है, सीडी स्पेस होम HER Hermione LS हमारे जो फाइल है वो है बिन में सेव LS, ये जो है फाइल इसे अब रन करेंगे हम /SUCP स्पेस। तो हमारा जो फाइल है वो टेम्प में TMP स्पेस, हमारे फाइल का नाम क्या है थ्राइड दिस। तो हम इसे कॉपी हमें कहाँ करना है, इसे हमें करना है होम स्पेस Hermione ब्रैकेट डॉट SSH देन हिट एंटर। नाउ सीडी स्पेस डॉट वेब LS ओके सो सीडी डॉट SSH ये कहाँ है फाइल दिखाता हूँ मैं LS-LA यू कैन सी दिस इज द डॉट SSH फाइल, हमें यहाँ पर इसके अंदर एंटर करना है डॉट SSH हिट एंटर LS। तो हमारी ऑथराइज्ड की ये रही तो आपको दिख रही है सेकेंड वन फर्स्ट वन वाली। तो अब हमारे पास ऑथराइज्ड की है, नाउ लेट्स ट्राई टू लॉग इन Hermione अकाउंट। इसके लिए क्या करते हैं SSH स्पेस Hermione एंड IDRSA जो हमारा प्राइवेट की एंटर Yes, you can see. Now we are successfully logging in Hermione account. So clear करते हैं. See, then now this is the real Hermione account. This is Snape account. हमारे पास Snape और Hermione दोनों का account take over हो गया है. तो Snape की account हम need नहीं है. Control इसे हम close कर सकते हैं. ओके सो नाउ दिस इज द Hermione अकाउंट, नाउ LS-LA। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा आपका ये। तो हमें क्या करना है, हमें एंटर करना है डॉट मोज़िला। यहाँ पर आपको तीन फोल्डर दिख रहे हैं, इसमें आपको जाना है फायरफॉक्स के अंदर LS। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 फोल्डर दिखा आपको जिसमें जाना है सेकेंड वाले में CD स्पेस G
enter. ls hyphen l. You can see there is lots of data here. क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको करना है ls hyphen la grep login login hit enter enter. So you can see this one, you found this. तो आपको अब क्या करना है, cp space ये फाइल का नाम copy, then paste and space same space home and bracket and hermoine. तो आपको एंटर हिट करना है, एंटर हिट करने के बाद आपको क्या होगा, जो फाइल है ये हर्माइनी के फोल्डर में चली जाएगी। इसके बाद आपके एक फाइल और फाइंड करनी है, वो करना है आपको कैंसी सेम प्रोसेस, आपको एल एस एल ए ग्राफ के देन सेम कॉपी की फोर डॉट डी बी स्पेस होम एंड एनी देन हिट एंटर। एंटर करने के बाद आपको जो डाटा है सी डी आप देख सकते हैं हर्माइनी के फोल्डर में आ चुका है की फोर डीबी एंड लॉगिन डॉट जी एस। ओके, इन दोनों डाटा को अगर हमें डिक्रिप्ट करना है इसके लिए हमें नीड है फायर पीडब्ल्यू। ओके, तो एलएस यू कैन सी सीडी firepw enter ls. Okay, so this is the file you can see. Okay, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक सर्वर रन करना है python 3 space hyphen m and http.server hit enter। सर्वर स्टार्ट हो चुका है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये जो पहला ही लॉगिन जेसन है इसे डाउनलोड करना है, यू कैन सी सक्सेसफुली डाउनलोड। नाउ सेकंड वन इज हमें डाउनलोड करना है की फोर डब्ल्यू जो ये सेकंड वाला है, हिट एंटर एलएस यू कैन सी द डॉट फोर फाइल इज हियर। ओके, जब मैं जूम कर देता हूँ क्लियर। ओके, तो एलएस तब अब इस फाइल के थ्रू हमें इसे एक्सपोर्ट करना है, ये आप कहाँ मिलेगा दिखाता हूँ। यू कैन सी फायर पी डब्ल्यू डी ये डिक्रिप्टर है जो फायरफॉक्स के जो डाटा को डिक्रिप्ट करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी वी गॉट द रूट एंड द पासवर्ड। चलिए यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं एस यू आर डब्ल्यू टी एंटर नाउ पासवर्ड कंट्रोल पेज। सो यू कैन सी वी हैव एंटर इन द रूट एलएस हुकर्स वेरी गुड सीडी स्लैश होम एलएस ओके सीडी स्लैश आर डब्ल्यू। Okay, so we are in root now. So get, so we have successfully completed this machine. Really, it was very great machine and it take lots of time. And इस machine को करने के बाद बहुत चीज बहुत concept clear होते हैं, क्योंकि explore करने के लिए बहुत technique होती है, बस सही technique कौन सी है वो आपको नहीं चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू फॉर गाइस डूइंग दिस एंड वॉच दिस, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।